भाजपा नेता व कैथल के पूर्व विधायक लीलाराम ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए कहा है कि मेरे को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह देने वाले सुरजेवाला को अगले विधानसभा चुनाव में मैं एक बार और हराऊंगा और उसके बाद संन्यास की सोचूंगा। वो कैथल के लोगों को कितनी बार और अपमानित करें, वैसे भी अब उनकी रिटायरमेंट का समय आ चुका है। सुरजेवाला जी, पहले भी मैंने आपको हराया था, अगली बार आपको चुनाव में हरा करके फिर सोचेंगे रिटायरमेंट के बारे में। तो लीलाराम ने कहा कि यह कैथल का दुर्भाग्य है कि जिसे कैथल का विधायक चुना गया वह कल मंडी में गया था लेकिन एक शब्द भी किसानों व आढ़तियों के बारे में नहीं बोला। सुरजेवाला जी अपने बेटे को साथ लेकर के गए, वो कैथल के विधायक हैं, वो भी दिखाएं कि उन्होंने एक शब्द भी न किसान के बारे में, न व्यापारी के बारे में, न धान खरीद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। लीलाराम यहीं नहीं रुके, उन्होंने आदित्य को एक दो साल कैथल में कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलवाने की सलाह भी रणदीप सुरजेवाला को दी। बजाय मंडियों में इधर उधर घुमाने की, कैथल में सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं, उनमें उनका एडमिशन करवाए साल दो साल के लिए। सुरजेवाला जी, पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी के बहन भाई शिरकत करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। हम पहले भी कहते थे भी केंद्र की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी कमल का फूल खिलेगा और वही भविष्यवाणी सच साबित हुई। माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है, बन गई है। 17 तारीख को भव्य समारोह होगा पंचकुला के अंदर और माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, हम भी पूरे दल बल के साथ उस समारोह में शिरकत करेंगे। दीपावली जैसा माहौल हरियाणा प्रदेश में रहेगा। कल आप मंडी में गए थे, आज रणदीप सुरजेवाला और विधायक आदित्य सुरजेवाला मंडी का दौरा किया है और खरीद नहीं हो रही है, मतलब कुछ इस प्रकार के आरोप लगाए? नहीं, सुरजेवाला जी की तो पुरानी आदत है कोसने की। मैं कल गया मंडी में, एक भी शिकायत नहीं मिली और हम पहले भी कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि किसान का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा। कल मंडी में सुचारू रूप से धान की खरीद हो रही थी, MSP पर खरीदी जा रही थी। हमने बल्कि अधिकारियों से बोल करके उठान के बारे में उनसे कहा कि जितना जल्दी हो सके उठान सुचारू रूप से किया जाए, क्योंकि कैथल की मंडी धान के मामले में, गेहूं के मामले में हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, एशिया की एक नंबर की मंडी है और इसमें हफ्ता 10 दिन के लिए हमें कठिनाई आती है, परंतु सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं, किसी प्रकार की भी किसी व्यापारी भाई को, किसान भाई को कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। सुरजेवाला ने एक वीडियो भी दिखाई है जिसमें वो बता रहे हैं अभी CM ने 3100 रुपये खरीद पर लेने की बात की है। वो मैंने भी देखा है, वो आधा अधूरा वीडियो है। मैं सुरजेवाला जी को कहना चाहूँगा, कृपया आप उसको पूरा दिखाएं और उसकी पोल अपने आप ही खुल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि सरकार एक एक दाना MSP पर खरीदेगी। जो सुरजेवाला जी वो क्लिप दिखा रहे हैं वो आधी अधूरी है, कृपया उसको पूरी दिखाएं। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। सुरजेवाला जी अपने बेटे को साथ लेकर के गए, वो कैथल के विधायक हैं, वो भी दिखाएं कि उन्होंने एक शब्द भी न किसान के बारे में, न व्यापारी के बारे में, न धान खरीद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला और ऐसे बैठे रहे जैसे किसी कोचिंग सेंटर में इसका एडमिशन हुआ हो। सुरजेवाला जी उसको मैं तो कहूँगा कि कोचिंग दिलवा रहे हैं, बजाय मंडियों में इधर उधर घुमाने की, कैथल में सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं, उनमें उनका एडमिशन करवाए साल दो साल के लिए सुरजेवाला जी। फिर अपने आप उसको कुछ पता लगेगा, ना उसको हमारी कल्चर के बारे में पता, ना किसानी के बारे में पता, ना धान के बारे में पता। ये हमारा कैथल वालों का दुर्भाग्य है जो यहाँ से कांग्रेस का विधायक बना है और आने वाले समय में इसके परिणाम कैथल के लोगों के सामने आएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहे लीलाराम को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मैं सुरजेवाला जी को ये कहना चाहता हूँ कि अब भी कैथल की जनता ने मेरे को चुनाव जितवाया है, 6
76,000 वोट लोगों ने दिए हैं सुरजेवाला जी, आप तो जाली वोट डलवा करके, जाली वोट पोल करवा करके, पैसे की ताकत से वोट खरीद करके, लोगों में शराब बांट करके चुनाव जीते हैं। कैथल के बच्चे बच्चे को ये पता है आप किस तरह से कौन कौन से हथकंडे अपना करके चुनाव जीते हैं। कैथल की जनता ने आपको नहीं जितवाया, कैथल के लोगों ने तो आज भी लीलाराम जी को जितवाया है। और जहाँ रिटायरमेंट की बात है सुरजेवाला जी, पहले भी मैंने आपको हराया था, अगली बार आपको चुनाव में हरा करके फिर सोचेंगे रिटायरमेंट के बारे में, तो एक बार मैं आपको दोबारा से चुनाव कैथल से हराऊंगा, फिर रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। सुरजेवाला जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राग अलापते हैं, विकास का विकास का। मैंने चुनाव के दौरान भी हर मंच से उनको चैलेंज किया था कि हम तो 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर के आए कैथल में, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर के आए। आप अब तो 2 साल से राज्यसभा के सांसद हो, आपने कहीं कैथल के लिए 1 रुपया दिया हो? आप अपने काम बताएं कृपया, आपने किया कुछ है नहीं। बोलते ज़्यादा हो, बातें बातें करते हो, काम आप पे करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप राज्यसभा के सांसद हो, आपको 5 करोड़ रुपए पर ईयर मिलते हैं, आपने कितने पैसे दिए कैथल में, कृपया ये भी स्पष्ट करें आप।